पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा अनोखा देश है जिसकी विविधता उसकी संस्कृति में ही समाई हुई है। हम ये भी कह सकते हैं कि बिन विविधता के भारत की संस्कृति का कोई आधार नहीं। एक ही धर्म के होने के बावजूद यहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पीन, बोली तथा रीति रिवाज बहुत प्रकार से भिन्न भिन्न पाया जाता है। हर राज्य के लोगों की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक बोली होती है तथा उनके क्षेत्र के हिसाब से उनके अपने रीति और रिवाज भी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ही क्षेत्र के बारे में जहां के लोगों ने अपने पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाने की प्रथा शुरू कर दी। जब आप इस प्रथा के बारे में जानेंगे तो आपको भी जानकर काफी हैरानी होगी। अपने शरीर पर राम नाम लिखवाने की ये प्रथा आज से लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो आइए जानते हैं इसी प्रथा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे उस टॉपिक का सुझाव दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ अपने टॉपिक को कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा और देखूंगा जो टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं उस टॉपिक पर पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छी सी वीडियो बनाने की। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के रामनामी समाज के बारे में जहां के लोग अपने पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाते हैं। यह प्रथा आज से लगभग 100 साल पुरानी है लेकिन इस समाज के लोग आज भी इस प्रथा का बहुत ही सम्मान करते हैं तथा परिवार के सभी सदस्य इस प्रथा को आज भी बनाए हुए चले आ रहे हैं। रामनामी समाज के लोगों का कहना है कि उनकी ये प्रथा उनके समाज के लिए एक गर्व की बात है, इसीलिए ना ही तो वो इस प्रथा को कभी छोड़ेंगे और ना ही इस प्रथा से कभी खुद को अलग करेंगे। हर समाज की तरह रामनामी समाज के अपने कुछ नियम है तथा उनके अपने कुछ कायदे एवं कानून है। ऐसा कहा जाता है कि रामनामी समाज में जन्मे हर सदस्य को अपने शरीर पर राम नाम गुदवाना होता है तथा साथ ही साथ जो व्यक्ति अपने शरीर पर राम नाम गुदवाता है उस व्यक्ति के लिए दिन राम नाम का जप करना भी अनिवार्य है तथा साथ ही साथ वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी शराब नहीं पिएगा। साथ ही साथ रामनामी समाज के लोग एक दूसरे को राम कहकर ही संबोधित करते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में राम नाम लिखवाने वाले को रामनामी कहा जाता है। जो व्यक्ति माथे पर राम नाम लिखवाते हैं उन्हें शिरोमणि कहा जाता है और पूरे माथे पर राम नाम लिखवाने वाले को सर्वांग कहा जाता है। अपने शरीर पर राम नाम लिखवाने की इस प्रथा के पीछे ऐसा कहा जाता है कि गांव में एक बार उच्च जाति के लोगों ने समाज के कुछ लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, जिसके विरोध में उस समाज के लोगों ने अपने पूरे शरीर पर राम नाम लिखवाने की इस प्रथा को शुरू किया। उस दिन से इस समाज के लोगों का नाम रामनामी समाज पड़ गया। कहते हैं कि रास्ते में मुश्किलें हर व्यक्ति के साथ आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर होते हैं वो व्यक्ति हवा के रुख से डर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत वाले और बहादुर होते हैं वो हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ लिया करते हैं। 76 साल के रामनामी टंडन बताते हैं कि जिस दिन से उन्होंने अपने शरीर पर राम नाम गुदवाया उस दिन से उनका दूसरा जन्म हो गया। भले ही 50 साल बाद आज उनके शरीर पर लिखे राम नाम हल्के क्यों न पड़ गए हों, लेकिन उनकी आस्था और उनके विश्वास में आज भी कोई कमी नहीं आई। ठीक इसी प्रकार से उनके नजदीकी गांव गोरबा में 75 साल की पुनई बाई इस परंपरा को बहुत ही आस्था के साथ आज भी निभाती आ रही हैं। पुनई बाई मानती हैं कि भगवान किसी भी खास जाति के नहीं होते, वो सभी लोगों के होते हैं, सभी पर भगवान की एक ही कृपा होती है, लेकिन आज तक इंसान जाति पाति के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया है। भारत में फैले इस जाति पाति के अंधविश्वास ने वास्तव में भारत को बहुत ही कमजोर किया है, क्योंकि जो भारत कभी सोने की चिड़िया थी आज उसी भारत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात हैं। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे हम थोड़ी सी कोशिश कर सके अपने समाज में एक रूपता लाने की, अपने समाज को संगठित करने की और एक करने की। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।